गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है ठोस, द्रव व गैसों में संरचनात्मक अंतर। तो सबसे पहले पदार्थों की तीन अवस्था होती है। एक फर्स्ट हमारे पास है ठोस, और ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं, जबकि जो द्रव होते हैं उसमें अवयवी कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं, जबकि जो गैसीय अवस्था होती है उसमें अवयवी कण सबसे अधिक दूर पाए जाते हैं, यानी ठोस द्रव की तुलना में सबसे अधिक दूर पाए जाते हैं। अब हमें बात करनी है इनके कुछ गुणधर्म की बात करनी है। तो पहला जो गुणधर्म हमारे पास है वो है इनका आकार, आकार व आयतन, आकार व आयतन। तो ठोसों का आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ठोसों का आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित। देखो आयतन की अगर हम बात करें, आयतन, तो आयतन वर्ड आते ही लोगों के दिमाग में ये आता है कि जैसे हम किसी द्रव की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आयतन, आयतन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, वो कहलाता है उसका आयतन। तो केमिस्ट्री में हम आयतन का मतलब ये समझेंगे कि किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान कैसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी हमारे पास ठोस है, ठीक है। इसका अगर आकार की बात करें तो आकार कैसा है, निश्चित है। चाहे आप इसको किसी भी स्थान पर रखो, इसका आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आयतन की बात करें तो ये इस इतना आयतन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि इतना स्थान क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जब आप इस क्रिस्टल को आप किसी भी जगह रखते हो तो इसके द्वारा ग्रहण किया गया स्थान कितना होगा, हमेशा निश्चित होता है, ध्यान रखना, सेम होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ठोसों का जो आकार है और जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है इसमें। जबकि अगर हम बात करें द्रव, तो द्रव का आयतन और आकार की, तो द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्यों? अगर आपने इस द्रव को किसी भी बोतल के अंदर फिल कर दिया तो इसका आकार कैसा होता है, बोतल के आकार जैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसी द्रव को किसी भी गिलास में आपने फिल किया है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, गिलास के जैसा हो जाता है। अगर हम बात करें आकार की, तो आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित, तो ध्यान रखना है इसका। इसमें अगर हम बात करें किसकी, गैस की, तो गैस का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अगर आप इस गैस को किसी सिलेंडर में फिल करते हो तो इसका गैस का साइज होता है वो सिलेंडर के जैसा हो जाएगा, इसमें सिलेंडर के आकार जैसा हो जाता है। अगर आप इस गैस को किसी बैलून में भरते हो तो इसका जो आकार है वो बैलून के जैसा हो जाता है। तो गैस का आकार जो होता है वो भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है इसमें। अब हम बात करते हैं आयतन। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये हमारे पास कोई भी रूम है, और इस रूम में हमने इस गैस को यहाँ पे फिल कर रखा है, ठीक है, किसी भी छोटे से डिब्बी में इसको फिल कर रखा है। तो इसका जो आकार होता है वो इस डिब्बी के आकार या इस बॉक्स के आकार के अनुसार होगा। अगर आप इस गैस को क्या करते हो, फ्री करते हो, रिलीज़ करते हो, तो जो भी हमारे पास गैसेस पार्टिकल थे वो इस रूम में सभी जगह समान रूप से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन गैसों के द्वारा घेरा गया स्थान तो कितना है, रूम के बराबर है। क्या इसका आयतन फिक्स रहा, क्या नहीं? अगर आपने इसको किसी सिलेंडर में फिल कर दोगे तो ये सिर्फ सिलेंडर का आकार ग्रहण कर पाएगा, तो इसका आयतन सिलेंडर के आयतन के बराबर हो जाएगा। अगर आप किसी रूम में इसको फिर रिलीज करते हो तो इसका जो आकार है वो रूम के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट गुणधर्म है, आकार और आयतन। तो ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही द्रव, सॉरी, इसका आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड गुणधर्म की, श्यानता,
श्यानता क्या होती है? तो सीधी सी बात है, श्यानता का मतलब होता है बहने का गुण, बहने का गुण। यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ को फ्लो कराते हैं तो कोई भी पदार्थ जितना आसानी से बह सकता है, हम ये कहेंगे उसकी श्यानता कैसी होती है, अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ ये कभी भी गति नहीं करेगा, ध्यान रखना है इसमें, खुद गति नहीं करता है इसमें। कि जैसे आपने अगर यहाँ पे इस कॉर्नर में रखा तो आपको मॉर्निंग में यहाँ पे इस कॉर्नर में मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो ठोस होते हैं उनमें जो भाव यानी कि शांता होती है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें द्रव की बात करें तो द्रव क्या करता है, गति करता है कहाँ से, ढलान की तरफ गति करता है, ध्यान रखना हमेशा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव में क्या पाए जाते हैं, शांता पाई जाती है। जबकि गैस भी क्या करती है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर क्या करती है, गति करती है, यानी कि इसमें भी शांता पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर थर्ड पॉइंट किस में, तो ये हमारे पास इसमें है संपीड्यता। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी पदार्थ को दबाना और उसके आकार में क्या करना, परिवर्तन करना। जैसे हमारे पास ये ठोस पदार्थ है, अगर हम इसको कितना भी प्रेस कर ले तो इनकी जो आकार में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ठोस पदार्थ होता है उसमें संपीड्यता का गुण कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है संपीड्यता गुण, इसमें अनुपस्थित, यानी कि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें किसी द्रव की, तो जैसे हमारे पास कोई भी सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कोई पिस्टन लगा है और इसके अंदर आपने भर रखा है द्रव को, भर रखा है, तो द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये पिस्टन कहाँ की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो हमारे पास वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। जब यहाँ पे अगर ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो जितने भी कण थे वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास द्रव है उसको दबाया जा सकता है, मतलब संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन उसको इतना संपीड़ित नहीं कर सकते कि जो हमारे पास द्रव है वो किस में बदल जाए, ठोस में बदल जाता है। तो संपीड़न से क्या होता है, जब संपीड़ित करेंगे तो जो हमारे पास किसी भी द्रव के जो कण होते हैं वो पास पास और आ जाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि द्रव में संपीड़ित गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गैसों में संपीड़ितता, तो इसका सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, जो हमारे घर पे जो सिलेंडर्स होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी गैस भरी होती है। और जो एलपीजी गैस है ये कैसे, इसमें जब आपने कभी सिलेंडर को हिला के देखा होगा तो आपको ये फील हुआ होगा कि इसके अंदर कोई ना कोई क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या था कि जो भी हम गैस को फिल कराते हैं इसके अंदर, तो हाई प्रेशर पे यानी कि दाब अधिक लगा देते हैं। जब दाब अधिक लगाएंगे तो गैस के कण क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और जब गैस के कण पास पास आ जाते हैं तो जो भी जो हमारे पास गैस थी वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो हम ये कहेंगे कि संपीड्यता का गुण गैस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, लेकिन ठोस में नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर अगर ये बात करें कि सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक ठोस गैस में पाया जाता है, उससे कम पाया जाता है द्रव में, और सबसे कम यानी कि ना के बराबर किस में पाया जाता है, इसमें ठोस में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर गुणधर्म हमारे पास है विसरण। देखो विसरण क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दो प्लेस हैं, इसमें एक प्लेस हमारे पास ए है, एक प्लेस हमारे पास बी है। यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा कैसी है, ज़्यादा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ए पदार्थ की सांद्रता क्या है, ज़्यादा। बी पदार्थ की मात्रा या सांद्रता यहाँ पे क्या है, कम। तो किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से यानी
यानी कि मात्रा से कम सांद्रता की ओर गति करने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि इस स्थान पर हमने दो ठोस के कण रख दिए और इस वाले स्थान पे एक भी नहीं है, तो क्या ये ठोस के कण स्वतः खुद गति करते हुए क्या इस वाले स्थान पे पहुंच जाएंगे, क्या नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे ठोसों में विसरण का गुण कम पाया जाता है, इसमें सॉरी नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा होता तो जैसे हमारे पास कोई भी ठोस है, अगर हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए रूम में हमने यहाँ पे रखा, मॉर्निंग में आपको ये कहीं और मिलेंगे किसी रूम में, या किसी रूम रूम उसी रूम के किसी दूसरे भाग में मिलते हैं इसमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास ठोस होते हैं उनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि द्रव, द्रव आपने देखा होगा इसमें जब कहीं भी आप ड्रॉप वगैरह डालते हैं तो वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, यानी कि ढलान की तरफ क्या करता है, इसमें मूव करता है। तो इसे हम कहेंगे कि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है, और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, इसमें गैसों में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि गैसों के बीच में क्या होता है, अंतरणिक आकर्षण बल कम पाया जाता है, इसलिए जब हम इनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो ये क्या करती हैं, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करती हैं, गति करना स्टार्ट कर देती हैं। तो किसी भी पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर जो गति करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है इसमें हमारे पास दैशिकता। दैशिकता, ठीक है, तो ये दैशिकता गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं इसमें कि जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है तो उनमें अगर आप कुछ गुणधर्म को, जैसे कि उसके घनत्व के, जैसे उसकी चालकता के, जैसे उसके प्राशन दाबन के, कोई भी जो भौतिक गुणधर्म या रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, अगर आप इनको किसी भी पदार्थ में अलग अलग दिशा में गुण प्राप्त करते हो या ज्ञात करते हो, तो अगर वो गुण आपको सारे समान प्राप्त होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, समदैशिकता। अगर वो गुण आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाता है, विषमदैशिकता कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ठोस होते हैं, तो कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है उसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, इसीलिए जो भी हमारे पास ठोस पदार्थ होते हैं अगर उसमें हम इन गुणधर्म को किसी भी डायरेक्शन में ज्ञात करते हैं तो वो गुण हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो ठोस होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक, या वो क्या शो करते हैं, विषम दैशिकता शो करते हैं, ठीक है। विषम का मतलब होगा इसमें डिफरेंट, इसमें अलग अलग, दैशिकता मतलब दिशा में गुण कोई भी ज्ञात करना इसमें। जबकि द्रव और अगर हम गैस की बात करें तो द्रव और गैस के कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, जब निश्चित व्यवस्था नहीं होती है तो इसी वजह से अगर हम इनके गुणधर्म की बात करेंगे, किसमें दैशिकता की बात करेंगे, तो सारे के सारे जो गुणधर्म होते हैं वो हमें सभी डायरेक्शन में सेम प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इस गुण को क्या कहते हैं, समदैशिकता। क्या कहते हैं, समदैशिकता। और ये भी कैसा होता है, समदैशिकता पाया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास गुणधर्म है वो है ऊष्मा, यानी कि जब हम इनको ऊष्मा देते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब उस ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो पदार्थ क्या होता है, पिघल कर किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। जब आप किसी द्रव को गर्म करोगे तो वो गर्म होकर किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी वाष्प को गर्म करोगे तो जो वाष्प है ना, वाष्प यानी कि गैस है, उसमें जो अवयवी कण हैं उनके मध्य दूरी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम इनको ताप देंगे तो ये जो कण, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी वजह से जो कण पहले पास पास थे इसमें, अब वो और दूर दूर चले जाते हैं। तो जब आप किसी ठोस को उष्मा देते हो तो वो द्रव में परिवर्तित होगा,
जब आप किसी द्रव को उष्मा देते हो तो वाष्प में परिवर्तित होगा। अगर वाष्प को यानी कि गैस को अगर आप उष्मा देते हो तो वो उसका क्या होता है, प्रसार यानी कि फैल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव अवस्था एवं गलित ठोस अवस्था में तुलनात्मक विवेचना। तो हमें क्या करना है, इसमें ठोस अवस्था और जो हमारे पास द्रव अवस्था है इसके गुणधर्मों के बारे में विवेचना करने की, किसका कौन सा गुणधर्म ज़्यादा होता है किसका कम होता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो गुणधर्म है वो है घनत्व। जैसे अगर हम बात करें ठोस पदार्थ की, तो ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं, और अगर हम बात करें किसकी, द्रव की, तो द्रव में अवयवी कण दूर दूर पाए जाते हैं, और गैस में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया लेते हैं। यूनिट एरिया का मतलब कोई भी जैसे छोटा छोटा एरिया हमारे पास, तीनों में हम इक्वल समान का एरिया लेते हैं कोई भी, ये हमने लिया तीनों में इक्वल समान का एरिया इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस यूनिट एरिया में ठोस में जो भी कण हैं उनकी कितनी मात्रा है, तो किसी भी पदार्थ के पर यूनिट एरिया में पदार्थ के कणों की जो मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ में पर यूनिट एरिया में अवयवी कणों की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे उसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसमें कम पाए जाते हैं, सबसे कम पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे उसका घनत्व क्या होता है, कम। तो घनत्व का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी हमारे पास पदार्थ है उसमें हमने कोई भी एरिया डिसाइड किया, छोटा एरिया डिसाइड किया, उसमें कभी उस पदार्थ के कणों की उपस्थित संख्या या उसका भार या उसकी मात्रा, ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ घनत्व को बताना है, तो ध्यान रखना भाई कि जिन पदार्थों में कण पास पास पाए जाते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि उनके पर यूनिट एरिया में कणों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे अधिक कण किस में उपस्थित हैं पर यूनिट एरिया में, तो ठोस पदार्थ में पर यूनिट एरिया में बहुत सारे कण उपस्थित हैं, तो हम कहेंगे कि ठोसों का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव का जो घनत्व होता है वो कम पाया जाता है किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, और सबसे कम किसका पाया जाता है, गैस का पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैस के जो कण होते हैं वो बहुत अधिक दूर दूर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पर यूनिट एरिया में उनकी कणों की संख्या कैसी आती है, कम आती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ठोस और द्रव की, तो इनमें अवयवी कणों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्रव का और ठोस का जो घनत्व होता है वो लगभग कैसा होता है, सेम होता है, या कैसा होता है, इक्वल पाया जाता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा होता है, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसका होता है, हमारे पास में ठोस का ज़्यादा होता है। तो घनत्व ध्यान रखना इनका ज़्यादा होता है, और इस सबसे कम किसका होता है, गैस का। लेकिन एक एक्सेप्शन हमारे पास, एक अपवाद है कि अगर हम किसकी बात करें, बर्फ़ की बात करें, और अगर हम बात करें किसकी, जल की, तो बर्फ़ की अवस्था ठोस है और जल की अवस्था लिक्विड है, तो ठोसों का जो घनत्व है वो अधिक होना चाहिए कि किसकी कंपेरिजन में, इसे द्रव की कंपेरिजन में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जल का घनत्व अधिक होता है किसकी तुलना में, बर्फ़ की तुलना में। उसका रीजन क्या है, जब बर्फ़ का निर्माण होता है तो जब यहाँ पे जल के अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या बचता है, एक रिक्त स्थान बच जाता है, और जिसकी वजह से इनका घनत्व कैसा होता है, कम पाया जाता है। अगर हम इन तीनों की कंपेरिजन की बात करें तो इन दोनों में से इन दोनों का लगभग सेम होता है, और इसका सबसे कम पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसमें कि जो H2O है, H2O का
जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, बर्फ़ की, और अगर हम ठोस की बात करें तो इसका पाया जाता है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास गुणधर्म है वो है गलन की ऊष्मा। गलन की ऊष्मा, और नेक्स्ट हमारे पास होते हैं वाष्पन की ऊष्मा। तो क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास कोई भी पदार्थ है, 1 मोल, 1 मोल कोई भी सॉलिड पदार्थ हमारे पास में ठोस पदार्थ है। अगर आप किसी 1 मोल ठोस पदार्थ को अगर द्रव में परिवर्तित करना चाहते हो, तो भाई द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थों में जो अवयवी कणों के बीच में आकर्षण ज़्यादा होता है, तो उस आकर्षण को कम करने के लिए उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब ऊष्मा देंगे तो वो पदार्थ किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाता है। जब द्रव में बदल जाएगा तो किसी भी 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देते हैं वही ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी गलन ऊष्मा कहलाती है। यानी कि उसके गलनांक पॉइंट पर जितनी ऊष्मा देंगे उसको क्या कहते हैं, उसकी गलन ऊष्मा कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी द्रव है और उस द्रव की मात्रा भी कितनी है, हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए हम जितनी उसको ऊष्मा देते हैं वही ऊष्मा क्या कहलाती है, वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। तो जब आप किसी ठोस को अगर द्रव में चेंज करोगे तो गलनांक होगा, ठीक है, और गलनांक के लिए जितना ताप दोगे वही क्या कहलाता है, गलन की ऊष्मा कहलाती है। अगर आप किसको क्वथनांक यानी कि इसको वाष्प में बदलोगे तो वो कहलाता है क्वथनांक, और इसमें जितनी ऊष्मा दोगे वो क्या कहलाती है, वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ठोस है भाई, ठोस और द्रवों के बीच में यहाँ पे बहुत कम अंतर पाया जाता है इनके, मतलब ठोस और जो द्रव होते हैं इनके बीच में अवयवी कणों के बीच में अंतराल लगभग बराबर पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कम होता है, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे। इसी वजह से देखो, अंत अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस कम पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जब आप किसी भी पदार्थ को ठोस से अगर आप द्रव में परिवर्तित करोगे तो आपको जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो कैसे होगी, कम। लेकिन जो हमारे पास गैसियस होती हैं, गैसियस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे इन कणों के बीच में आपको डिस्टेंस क्या करना है, और ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है, ध्यान रखना। यानी कि इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको नेगलेक्ट करना है इसमें, तो उसके लिए आपको ऊष्मा क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ती है। इसीलिए ध्यान रखना, जो गलन ऊष्मा है उसका मान कम होता है, और जो हमारे पास वाष्पन ऊष्मा है उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसमें, कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ की गलन ऊष्मा, बर्फ़ की जो गलन ऊष्मा होती है वो है 335 जूल। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी वाष्पन जो ऊष्मा है द्रव की वो हमारे पास होती है इसमें 2260 जूल। तो ये कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, द्रव की वाष्पन ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि आप वहाँ पे कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है उसको लगभग क्या किया जाता है, इसमें नेगलेक्ट किया जाता है, इसलिए उसमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो गुणधर्म है हमारे पास में वो है अंतराणविक आकर्षण बल या अंतराणविक दूरी। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास जो गुणधर्म है वो है अंतराणविक दूरी। तो जो भी हमारे पास ठोस के जो कण होते हैं, जैसे ठोस के जो कण होते हैं वो कण एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं, जबकि द्रव में ये कण दूर दूर पाए जाते हैं और गैस में सबसे अधिक दूर दूर पाए जाते हैं इसमें ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन अवयवी कणों को एक दूसरे के पास बांधे हुए रखने का कार्य करता है, कौन करता है? अंतराणविक आकर्षण बल। या हम ये कह सकते हैं कि इन अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसको क्या कहते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अंतराणविक जो दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आकर्षण बल के। यानी कि जिनमें आकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ पे अंतराणविक जो दूरी पाई जाती है वो कैसी होती है? कम पाई जाती है। तो सबसे अधिक आकर्षण किस में होता है? ठोस में होता है। इसी वजह से इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के पास उपस्थित होते हैं, जबकि द्रव में अंतराणविक आकर्षण कम पाया जाता है, तो इनके कण थोड़े दूर दूर पाए जाते हैं। सबसे कम किस में पाया जाता है? गैस में। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं या उनके जो परमाणु होते हैं उनके मध्य अंतराणविक दूरी सबसे कम पाई जाती है, यानी कि क्योंकि उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? अधिक पाया जाता है। जबकि इसमें आकर्षण कम होता है तो दूरी अधिक होगी, और गैसों में तो सबसे कम आकर्षण अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, तो इनके अणुओं के बीच में दूरी सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये हमारे पास इसमें नेक्स्ट इसमें टाइप था कि सॉरी टॉपिक था इसमें कि अंतराणविक दूरी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास इसमें नंबर 5 है, और 5 है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा, जैसे हमारे पास कोई भी पदार्थ है, चाहे ठोस है, चाहे कोई द्रव है या कोई गैस है, उसका हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सुना ध्यान से कि किसी भी पदार्थ के, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और अगर हम बात करें इन तीनों की विशिष्ट ऊष्मा की, तो यहाँ पे ठोस और जो हमारे पास द्रव होते हैं इनके जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो लगभग एक दूसरे के निकट पाई जाती है, जबकि गैसों की बात करें तो गैसों की इसमें विशिष्ट ऊष्मा की विशिष्ट ऊष्मा इनकी तुलना में इन दोनों के बीच में काफ़ी अधिक अंतर पाया जाता है। भाई रीज़न क्या है? हमारे पास जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण कम होता है, तो हम इनको क्या करेंगे? अगर ऊष्मा देंगे तो ये उस ऊष्मा को ग्रहण करके क्या करेंगे? गति करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे करेंगे, लेकिन पहले इनमें क्या होता है? आकर्षण अधिक होता है। लेकिन दोनों की बात करें तो इनकी विशिष्ट ऊष्मा लगभग समान होती है या बहुत कम अंतर पाया जाता है, जबकि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था द्रव अवस्था गलित अवस्था में तुलनात्मक विभेद।